नमस्कार। भारतीय दर्शन और अध्यात्म में गुरु का गहन अर्थ है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। जीवन में सत्य प्राप्ति के मार्ग को जानने के लिए गुरु की अपरिहार्यता बताई जाती है, तो दूसरी तरफ स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं अप्पा दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। इस दोहे में कहा गया है कि गुरु जिसने हमें गोविंद अर्थात सर्वशक्तिमान से परिचय करवाया, इसलिए जब गुरु और गोविंद दोनों सम्मुख खड़े हो तो सबसे पहले गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ने का ज्ञान हमें प्रदान किया है। किंतु इस दोहे में उस गुरु की बात की है जो गुरु हमारे भीतर बैठा है, हमारे इस घट के भीतर दीपक बनकर जो ज्ञान रूपी गुरु विराजित है, जिसने गोविंद को सृष्टि के कण कण में व्याप्त देखने की क्षमता हमारे भीतर जगाई हो, उस गुरु पर न्योछावर होने की बात की है। सच्चा गुरु वही है जो धीरे धीरे शिष्य को गुरु की आवश्यकता से मुक्त कर दे, जो कहे कि अब बाहरी गुरु का अनुसरण छोड़कर तुम्हें अब भीतर के गुरु को साधना होगा। जब भीतर के गुरु को साध लिया तो किसी बाहरी गुरु की क्या आवश्यकता। अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। गुरु को हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए बैसाखी मत बनाओ, वरना खुद के पैरों से चलना भूल जाओगे। आज गुरु साथ में है, कल यदि साथ में नहीं हो तो क्या करोगे। फिर दूसरे तीसरे गुरु की खोज में लग जाओगे। गुरु नाम की वही बैसाखी जीवन भर खोजते रहोगे तो स्वयं की अंतर यात्रा कब शुरू करोगे। गुरु संगत में जो प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया, पर्याप्त साधना गुरु के सानिध्य में कर ली। अब समय आया है गुरु संगत छोड़ने का। अब जब गुरु संगत छोड़ने का समय आया तब तुम गुरु के सत्संग में जाने लगे। अब सत्संग में जाकर क्या अधिक पाओगे। समस्याओं के समाधान क्या सत्संग में मिलेंगे। वहां तो इंद्रियां सक्रिय होगी, रूप गंध एवं शब्द का रसपान। यदि सत्संग में ही मग्न रहोगे तो फिर स्व का अध्ययन कब करोगे। गुरु के विचार सुन लिए, जान लिए, अब स्वयं को कब जानोगे। गुरु से ज्ञान पा लिया, अब स्वयं को कब पाओगे। कब तक गुरु के दीपक से रोशनी पाओगे, अपना दीपक कब जलाओगे। गुरु की सत्संग वाणी कब तक सुनते रहोगे, भीतर का अनहद कब सुनोगे। स्वयं के भीतर
दीप जला कर तो देखो, गुरु भीतर जाग जाएगा, जो गोविंद से मिलाएगा, तब सभी प्रश्न संवाद और शब्द मौन हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर भीतर ही मिल जाएगा। जितना सीखा है उसी से कार्य शुरू करो। गुरु और गोविंद दोनों ही मिल जाएंगे। गुरु केवल पथ दर्शक है। गुरु का बस इतना ही काम है आपके जीवन में। पथ दर्शक कभी पथिक के साथ नहीं चलते। उनका कार्य केवल पथ दर्शन कराना है। इस अंतर यात्रा में तो स्वयं को ही चलना पड़ता है। यदि गुरु का या गुरु सत्संग का महिमा मंडन करते हुए बैठ गए तो कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। यात्रा थम जाएगी, आपकी भी और गुरु की भी। गुरु कोई एक व्यक्ति हो ही नहीं सकते। गुरु केवल गुण दर्शन है और शिष्य उन सभी गुणों को आत्मसात करता है। अपो दीपो भव आत्मनिर्भरता का संदेश है। अपो दीपो भव आत्म जागृति और गुणों की पहचान। अपो दीपो भव आत्म साक्षात्कार की दिशा। आइए इस अंतर यात्रा की शुरुआत करें। कुछ समय के लिए अपो दीपो भव का दिव्य ध्यान करें। ध्यान के दौरान स्वयं से निरंतर कहे अपो दीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो। 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 अपो दीपो भव। 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 अपने दीपक स्वयं बनो। 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 अपने दीपक स्वयं बनो।
अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। अपो दीपो भव, अपो दीपो भव, अपो दीपो भव। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ईश्वर और आपके भीतर बैठा हुआ गुरु दोनों ही आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि इस मार्ग पर आपका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम।